जहाँ आज के टाइम में लोग भले ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन ना करते हों, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, और आपने भी कभी ना कभी तो अपने आसपास ऐसी किसी एनर्जी को जरूर महसूस किया होगा, या फिर किसी और से इनके होने की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी। तो चलिए आज हम अपने भारत की 5 ऐसी ही जगहों के बारे में जानेंगे जहाँ पर दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। जी हाँ, जिनमें पहला है राजस्थान का भानगढ़ किला। वैसे राजस्थान के अलवर में मौजूद भानगढ़ का किला दुनिया भर की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक संत भालूनाथ के क्रोध को झेलने के बाद ही ये शहर श्रापित शहर में बदल गया था और ये भानगढ़ का किला उसी समय तहस नहस हो गया था। वही अगर हम वहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो उन्होंने यहाँ पर किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और पीछे से उन्हें थप्पड़ मार रहा है, और इस वजह से ही शाम 6 बजे के बाद ही वहाँ पर एंटर करने पर बैन लगाया गया है। दूसरा है पुणे का शनिवार वाड़ा। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बीचों बीच मौजूद इस किले का निर्माण 18वीं सदी में ही किया गया था, और जहां 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद ही ये महल भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया था, और इसी किले में ही बाजीराव मस्तानी मूवी की शूटिंग भी की गई थी। लेकिन इस जगह की एक खास बात ये भी है कि यहां कई लोगों को कुछ एबनॉर्मल चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक युवा राजकुमार नारायण राव, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल ही थी, उनके चाचा रघुनाथ राव ने छल से उनकी हत्या कर दी थी और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के पास फेंक दिया था, और इसी वजह से वहां कई लोगों को आज भी उस युवा पेशवा की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। तीसरा है जैसलमेर का कुलधरा गांव। वैसे तो ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिरकार इस गांव के अचानक वीरान होने के पीछे का राज क्या था। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था, लेकिन फिर उस रियासत का दीवान सालम सिंह की नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और उस लड़की को पाने की चाह में वो पागल सा हो गया था और गाँव को जलाने की धमकी देने लगा। इतना सुनते ही गांव वालों ने उस लड़की के सम्मान को बचाने के लिए करीब 5,000 से भी ज्यादा परिवारों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और आज भी ऐसा माना जाता है कि उन ब्राह्मणों ने जाते हुए जो श्राप इस जगह को दिया था उसकी वजह से ये गांव आज तक दोबारा कभी बसाया नहीं जा सका। चौथा है ब्रिज भवन पैलेस राजस्थान। वैसे तो ये पैलेस राजस्थान के कोटा शहर में मौजूद है और ये शहर अंग्रेजों के समय में एक हवेली थी जिसे आज होटल में बदल लिया गया है, लेकिन जो लोग भी इस होटल के अंदर जा चुके हैं उनका मानना है कि उन्हें यहाँ कुछ लोगों की छिलने की आहट को महसूस किया है, और ऐसा कहा जाता है कि इस पैलेस में एक अंग्रेज की आत्मा भटकती है जिसे 1857 की क्रांति के दौरान इस भवन को घेर करके मेजर चार्ली बर्टन और उनके 2 बेटों को चाकू से मार दिया गया था, और तभी से मेजर की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। नंबर 5, मुंबई का मुकेश मिल। वैसे तो ये मिल करीब 150 साल पुराना है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अक्सर कई रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी वजह से रात में इस जगह के आसपास भी कोई नहीं भटकता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जगह हॉन्टेड मूवीज के शूटिंग के लिए भी काफी फेमस है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म एक्टर्स यहाँ पर आने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई थी। इसके बाद जब इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो फिर उसमें दोबारा आग लग गई, और इस बार ये आग इतनी भयानक थी कि इस मिल का एक एक कोना तक जल के राख हो गया था, और तभी से ये मुकेश मिल खंडहर बन गई और इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाने लगा।